नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कई दिनों से दलित राजनीति पे इस देश में चर्चा हो रही है। आरपीआई एक जमाने में इतनी ताकतवर थी कि उत्तर प्रदेश में उसके सांसद हुआ करते थे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन फिर बाद में वो महाराष्ट्र तक सीमित रही और महाराष्ट्र में भी हर जिले में एक आरपीआई हो गई। वर्तमान में सिवाय एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन के उनके पास कुछ नहीं। प्रकाश आंबेडकर ने अपनी नई दुकान खोल ली, वंचित आघाड़ी, लेकिन उसको भी धीरे धीरे लोगों ने नकारना शुरू कर दिया, क्योंकि तमाम दलित नेताओं के पास जो उभरे थे उनका फोकस कहीं ना कहीं लगातार डिस्टर्ब होता गया। बात करेंगे सबसे बड़ी दलित नेता मायावती जी। बहन जी के साथ एक विरासत थी और उस विरासत के चलते उन्होंने अपने बलबूते पे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में सरकार बनाई थी। सोशल इंजीनियरिंग करना उनको जम गया था, लेकिन जब सत्ता से बाहर आ गई तो कहीं ना कहीं या तो ईडी सीबीआई का डर कहो या जेल जाने का डर या जो लड़ाई लड़ने का मादमा काशीराम जी ने एक जोश भर दिया था, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गया। फिर कुछ क्षेत्रीय नेता, छोटी छोटी राजनीतिक दल अपने अपने नेता बनाते गए। मायावती जी का ये हश्र रहा कि मायावती जी का यदि इस लोकसभा में देखा तो एक भी सांसद नहीं और पूछ ले विधानसभा में उत्तर प्रदेश में एक विधायक। इतनी बुरी स्थिति पे मायावती आ गई और मायावती पे लगातार ये आरोप है कि मायावती कहीं ना कहीं भाजपा की बी टीम बन के भाजपा को मददगार साबित हो रही है। लेकिन इन सब में यदि कल भाजपा, क्योंकि भाजपा भी कोई अमरपट्टा लेके नहीं आई, और यदि कल सत्ता परिवर्तन केंद्र में होता है तो ऐसे में फिर मायावती जी को अपनी भी चिंता हो रही थी, क्या आने वाली हर सत्ता, केंद्र में आने वाली हर सत्ता और उसके सत्ताधीश ऐसे ही पूछ पे पैर रख के ईडी और सीबीआई का डर दिखा के इस पार्टी को धीरे धीरे खत्म करेंगे या फिर मायावती जी को कोई नई रणनीति तय करनी होगी। पिछले लोकसभा में भी जब उनके भतीजे आनंद ने भाजपा के खिलाफ कड़ा विरोध दर्शाना शुरू किया तो उन्होंने उनसे पद से हटा दिया। कुल मिलाकर ये मैसेज जा ही रहा था कि मायावती जी बिल्कुल समाप्ति की ओर है, लेकिन फिर मायावती जी ने जो चर्चा है, जो सुनने को आया, एक नया पेतरा बदला है। मायावती जी भी अपनी खोई हुई जमीन उठाने के लिए फिर शुरुआत हो रही है और मायावती जी ने जो काशीराम जी ने सबसे पहला संगठन बनाया था बामसेफ, उसके पुनर्गठन के लिए उन्होंने अब धीरे धीरे प्लानिंग बनाई है और उसका जो सामने खाका आ रहा है उससे सभी देश के राजनीतिक दल थोड़े अस्वस्थ हो गए हैं। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन बामसेफ, ये एक कैडर बेस था और इस बामसेफ से ही बाद में बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ। ये बामसेफ की ताकत थी जो बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पे थी। मायावती जी कई वर्षों से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती थी, वो खासकर दलितों के पॉइंट ऑफ व्यू थी। अब उन्होंने शब्द बदले और बहुजन हिताय का नारा देना शुरू कर दिया। इस शाब्दिक बदलाव से कहीं ना कहीं जो उनका खिसका हुआ वोट बैंक है उनको तो साथ मिलाना ही चाहती है, बाकी लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। अब इसी कड़ी में उन्होंने ये तय कर लिया कि अब जो बामसेफ है इसका पुनर्गठन कर उसको जिले जिले लेवल पर सक्रिय करना। यदि ये शुरू हो गया तो आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव हो या 2029 के लोकसभा के चुनाव हो,
मायावती फिर क्या ताकत बनकर उभरेगी। वर्तमान लोकसभा में जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी लोगों ने धीरे धीरे उनका मुंह फेर लिया, फिर भी एक वोट परसेंटेज, एक समाज का एक वोट है उनके पास लगातार बना हुआ है। अब जो नया प्लानिंग जो सामने आया, ब्लूप्रिंट जो सामने आया, उसमें उन्होंने हर जिले में बामसेक का एक संयोजक, 10 सह संयोजक बनाने के लिए कहा। जोर है कि ब्राह्मण और मुस्लिम भाईचारा समितियां बनाकर इन वर्गों में पेट बढ़ाई जाए। बामसेक के एक पदाधिकारी ने बताया कि काफी समय से बामसेक अलग थलग पड़ी हुई थी, लेकिन अब उसमें फिर हलचल शुरू हो गई। बसपा नेतृत्व ने संवाद तो शुरू कर दिया और सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिए एक रोड मैप दे दिया। यदि बामसेक फिर से खड़ा हो जाता है तो यकीनन ये बहुत बड़ी ताकत बहुजन समाज पार्टी के पास होगी। 2007 में आप याद कीजिएगा, मायावती जी का सोशल इंजीनियरिंग, उन्होंने कुल 48 ब्राह्मणों को जो टिकट दिए थे और नया नारा दिया गया था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने खुल के ब्राह्मणों को टिकट दिए, उसमें से 41 विधायक ब्राह्मण विधायक चुनाव जीते थे। और उसी के बाद भाजपा भी आंखें खुल गई और उन्हें भी लगा कि नहीं, ब्राह्मण यदि हम कमजोर करके समझते हैं, उनकी संख्या कमजोर हो सकती है, लेकिन एक इन्फ्लुएंशियल ताकत तो है। खासकर हर जगह ब्राह्मणों का अलग अलग वर्चस्व है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो ब्राह्मण घर गांव में भरी दो घर हो, लेकिन पूरे गांव को मत परिवर्तन वो ब्राह्मण कर सकता है। ये उसका गांव के साथ संबंध, गांव की उसके प्रति आस्था। इसलिए मायावती जी ने वो सोशल इंजीनियरिंग करके एक तहलका मचा दिया था, और उसके बाद जो देश ने देखा वो सब सामने है। मायावती जी एक बार सत्ता में क्या उतरी, लेकिन फिर सत्ता में आ सकती थी, लेकिन जब केंद्र में ऐसी सरकारें आई जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का खुल के उपयोग करने लगी, और तब से मायावती जी धीरे धीरे हाशिए पे आती रही। भाजपा का 240 पे आना, बाकी राज्यों में भाजपा का जो भविष्य दिख रहा है, जो आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में, वो इतना उज्ज्वल नहीं। 10 उपचुनाव जो होने जा रहे हैं यूपी में, उसमें भी तकलीफ है। ऐसे में क्या कल आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन होगा, तो सत्ता परिवर्तन होगा तो फिर मायावती जी कहाँ खड़ी होगी? यदि मायावती जी के लिए जगह भी मिलती है तो फिर उनकी ताकत नहीं होगी, तो फिर उन्हें जगह कौन देगा? तो अपनी ताकत फिर से वापस करने के लिए ये बामसेप का एक नया फार्मूला उन्होंने निकाला। बहुत पुराना तीर है तरकश का, लेकिन यदि ये ब्रह्मास्त्र है, यदि ये चल गया, तो बहुजन समाजवादी पार्टी यूपी में ही नहीं, देश के हर राज्य में पूरी ताकत बन के उभरेगी। क्योंकि बामसेप का नेटवर्क सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं था, पूरे देश में था, और यही ताकत थी जिसने पैसा भी दिया, ताकत भी दी, जिससे काशीराम जी बने। क्या बामसेप फिर से अपने पूर्व स्थिति में आ सकता है? क्या उतनी ही ताकत वो बढ़ाएगा? क्या बहन जी वहां पे बामसेप में उनको स्वतंत्र काम करने की अनुमति देगी? क्योंकि काशीराम जी के बाद जब मायावती जी आई तो कहीं ना कहीं सारे निर्णय एक ही जगह लेने गए, एक ही नेता, एक ही संदेश और एक ही डिसीजन, वो था मायावती जी। लेकिन यदि बामसेप को आपको चलाना है तो, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का इसमें बड़ा खेल है, तो उन्हें आज़ादी देनी होगी, उनकी भी बातें बहन जी को सुननी होगी। यदि बहन जी ने समय के बदलते के साथ अपने आप को थोड़ा बदलाव किया और पूरी ताकत के साथ इस बामसेप को खड़ा किया, तो यकीनन मैं बता रहा हूँ, इस विचारों से यदि बाकी राजनीतिक दल विचलित है, तो जब बामसेप खड़ा हो जाएगा तो इतनी जगह हिट करेगा कि कोई भी राजनीतिक दल इस देश में नहीं है जो ये सोचने के लिए मजबूर ना हो कि मायावती जी बहन जी का साथ जरूरी है। तो मायावती जी ने एक अंतिम अस्त्र अपने तरकश से निकाला। देखते हैं, अभी तो ये प्रारूप है, इसका क्रियान्वयन कैसा होता है। यदि क्रियान्वयन वैसा ही हुआ जैसा काशीराम जी ने किया, तो फिर आपको वही मायावती जी के तेवर दिखेंगे जो 2007 में थे, जो पूर्ण यूपी व्याप्त किया और यूपी पे अपने बलबूते पे सरकार बनाने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।